मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो सबसे पहले ये क्या देखेंगे हम, फैक्टर्स। ओके, लेट अस सी हाउ वी कैन अरेंज डिफरेंट वेज ऑफ फैक्टर्स। ओके, हम क्या देखेंगे, एक वे में यानी कि सॉरी डिफरेंट वे में हम फैक्टर्स किसी नंबर को कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या लिया है हमने, 10 बिट्स। कितने बिट्स लिए है हमने, 10 बिट्स। ये 10 बिट्स को हम अलग अलग वेज में फैक्ट कर सकते हैं। ओके, देखो ये मैंने कितने बिट्स लिए है, एक रो में, वन रो में कितने बिट्स लिए, 10 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये कितने बिट्स है, 10 बिट्स। तो इसे क्या करना है हमें, 1 × 10, मतलब 1 रो 10 कॉलम्स, 1 रो 10 कॉलम्स, एक ये वे में हमें फैक्टर मिल गया। फिर अब 2 रोज 5 कॉलम्स, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 रोज हो गए एंड ये 5 कॉलम्स हो गए, मीन्स 2 × 5। ओके, थर्ड वन, 5 × 2, कैसे आया ये देखो, फिर ये क्या हुआ है, 5 रोज एंड ये 2 कॉलम्स, 5 रोज 2 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मीन्स 5 × 2, 5 रोज 2 कॉलम। ओके, फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स ये कितने रोज हो गए, 10 रोज एंड 1 कॉलम। ओके, 1 कॉलम में 10 रोज आ गई, मीन्स 10 × 1। अब हमें 10 कैसे मिलता है, हाउ डिड वी गेट 10, हमें 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 10 इक्वल्स टू सबसे पहले क्या मिला था हमें, 1 × 10। ओके, देन 2 × 5। ओके, 1 × 10, 10 इक्वल्स टू 2 × 5, 2 × 5 = 10 होता है ना। फिर क्या आया है, 2 × 5, 5 × 2, 5 × 2 = 10 एंड 10 × 1 = 10। ओके, तो हमारे ये 10 के फैक्टर्स क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 10, 10 आर 1 2 5 10, क्या है, 1 2 5 एंड 10। फैक्टर्स में एक फैक्टर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मींस एक 1 आता है एंड एक ये जो खुद नंबर यानी कि खुद जो नंबर जैसे कि 10 20, वो खुद उसका एक फैक्टर रहता है। आर यू अंडरस्टैंड। अब एक हम एग्जांपल देते ऑफ 28। अब हमें क्या करना है, 28 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब हमें 28 के ऐसे कॉम्बिनेशंस लेने हैं जो टेबल्स में आते हैं। सबसे पहले कौन से टेबल में आता है, 28 खुद एक 28 के यानी कि 1 × 20, 28 = 1 × 28, ये एक फैक्टर हो गया उसका। फिर 28 = 4 × 7। ओके, अब 28 = 7 × 4। ओके, अब 28 = 28 × 1, ये हो गए हमारे 28 के फैक्टर्स। अब क्या लिखूंगे, द फैक्टर्स ऑफ 28 आर, क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 28 आर, विच फैक्टर्स, 1 4 7 एंड